बीजीएमआई बैन हो गया या नहीं हुआ, क्या होगा सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो भाई आप लोगों को पता है कल शाम से जैसे ही हम लोग का ये न्यूज़ फैलना चालू हुआ कि हम लोग का बीजीएमआई प्ले स्टोर से हट गया, फिर कुछ देर बाद वो ऐप स्टोर से भी हट गया, और फिर यहाँ पे हम लोग को पता चला कि जो हटा है वो गवर्नमेंट का ऑर्डर से हटा है, मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गेम को हटाया दिया जाए, तो वो तो हट गया। और ये सेम वही केस है जैसे हम लोग का कुछ जो मंथ पहले फ्री फायर के साथ हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि फ्री फायर पहले प्ले स्टोर से हटा फिर ऐप स्टोर से हटा, और दो दिन के बाद अनाउंसमेंट आ गया कि फ्री फायर को भी बैन कर दिया गया है। तो सेम वही सीन यहाँ पे भी हो रहा है, हम लोग का गेम तो हट चुका है बट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि गेम बैन हो चुका है। तो भाई यहाँ पे अभी कुछ भी श्योर नहीं हुआ है कि गेम बैन होगा या नहीं होगा, बट चांसेस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि भाई ये वही सीन हो गया फ्री फायर वाला, और कल या परसों मतलब दो दिन वेट करो, दो दिन के बाद मे भी वो लोग अनाउंसमेंट कर दे कि भाई जो बैन होगा या नहीं होगा। अब ऐसा लीक हो रहा है कि आज क्राफ्टन और इंडियन गवर्नमेंट का मीटिंग होगा, वो लोग का बातचीत होगा, शायद कोर्ट पे कुछ मैटर होने वाला है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, मतलब भाई ये खाली लीक हुआ है, तो हो सकता है गैस कि यहाँ पे क्राफ्टन का मीटिंग होगा और वो लोग यहाँ पे गैस अगर ये प्रूफ कर देते कि ये बीजीएमआई इंडियन गेम है, इसमें कोई भी चाइना का हाथ नहीं है, सिक्योरिटी सब सही है और ना ही ये प्रमोट करता है वायलेंस को, तो भाई हो सकता है कि बीजीएमआई बच जाए, लेकिन चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि भाई बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर है, आप लोग को पता है SATUL जैसे कि गोल्डी भाई, तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि बहुत ही कम चांस है, अगर चमत्कार हुआ तो ही बचेगा। तो भाई जब मैं सुना तो मैं एकदम शौक रह गया था कि शायद बैन हो सकता है। अब देखते हैं यार क्या होता है, अभी यहाँ पे गलत अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पे होप है कि बीजीएमआई बच सकता है। और यहाँ पे भाई बीजीएमआई बैन क्यों हुआ ये भाई बहुत सालों को नहीं पता है, मतलब एग्जैक्टली रीजन तो किसी को भी नहीं पता है, बट ये गलती बीजीएमआई वालों का भी है क्योंकि भाई आप लोग को पता है बीजीएमआई गेम पे जो हम लोग का फोल्डर है, बहुत सारा गेम के अंदर भी हम लोग को पबजी का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। अभी भी अगर आप लोग चेक करोगे OBB फाइल तो वहाँ पे पबजी मोबाइल लिखा हुआ है। भाई मतलब वो लोगों को मतलब ही नहीं है, वो लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है। ये तो भाई एक और रीज़न कि वो लोग सिर्फ पैसा कमाना है, स्किन पे स्किन डाल रहे हैं, भाई आज एक स्पिन आ गया कल आने वाला है एक सूट ऐसा वैसा, मतलब खाली स्किन भर रहे हैं कि लूट रहे हैं, जिसके कारण क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों को पता है इंडिया में तो बहुत सारा केस आ चुका है, फ्री फायर का भी आया था और पबजी का भी बहुत सारा केस आ रहा है कि किसी बच्चे ने अपने मदर को मार दिया। भाई मतलब सुन के अजीब लगता है, फिर बहुत सारे लोग मतलब अपना पापा का या फिर पेरेंट्स लोग का पैसा उड़ा देते हैं, तो ये सब सीन गाइस यहाँ पे देख के तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे गेम को बैन कर दिया जाता है। तो भाई अभी ये सब रीज़न भी होता है, सिर्फ यही रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है जैसे कि ये हो गया, फिर कुछ लोग तो भाई मर्डर भी कर दिए है, तो ऐसे भी बहुत सारा सीन आ चुका है, तो ये सब रीज़न होता है। तो इसलिए भाई गेम को थोड़ा सा भाई मतलब पैसा कमाने के लिए पूरा लोग को फोकस रहता है, और साथ में भाई यहाँ पे वो लोग का जो ब्रांडिंग पबजी भाई हर जगह पबजी पबजी करके रखे है। अभी यहाँ पे भाई देखते हैं क्या होता है, अब आज यहाँ पे गैस वो लोग का बातचीत हो जाएगा, अगर गेम बचने का होगा तो पता चल जाएगा, अगर जाने का होगा तो चला जाएगा, तो हम लोग भाई कुछ नहीं कर सकते। और फालतू का भाई किसी को भी हेट मत दो, और यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग तो बोल रहे कि फेरो का मोड के कारण हुआ है, मतलब ये कोइंसिडेंस है कि हम लोग का पिछला बार फेरो का मोड आया था एंशिएंट सीक्रेट तो हम लोग का पबजी बैन हुआ था, इस बार भी आया तो बीजीएमआई बैन हो गया, तो भाई यहाँ पे उसका कोई लिंक तो नहीं है बट हाँ कोइंसिडेंस बोलो, इससे उससे मतलब नहीं कि भाई फेरो ही मोड पनौती है, भाई उससे तो भाई बोलने के लिए है, लेकिन भाई गलती तो बीजीएमआई का है। और अब देखते हैं क्या होता है, भाई मतलब अगर बैन होने का रहा तो हम लोग का हाथ में कुछ नहीं है, बस इंतजार करो और होप रखो कि बीजीएमआई बैन ना हो। तो अभी के लिए गाइस यहाँ पे बीजीएमआई सेफ है फॉर नाउ, अब देखते हैं क्या होता है, मतलब कुछ दिन में कैसे पता चल जाएगा कि सही में बैन होगा या नहीं होगा, और अगर बैन होता है तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। खैर चलो अब देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना, जैसे कुछ न्यूज़ आएगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।